कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि नगर परिषद चुनावों के दौरान भाजपा ने नारा दिया था वोट फॉर चेंज, लेकिन बदलाव ये आया है कि नूरपुर शहर के लोगों पर तीन गुना अधिक टैक्स थोपा जा रहा है। बिना किसी नियम के टेंडर आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेंडर आवंटन में किसी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही, चहितों को मनमर्जी से टेंडर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि जो गलियां पहले पक्की थी उन पर टाइल्स डाली जा रही हैं और कच्चे रास्तों को छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरोप लगाया कि नूरपुर में जिस पार्किंग का निर्माण किया गया है उसका उद्घाटन तो कर दिया लेकिन आज दिन इसे शुरू नहीं किया गया है। साथ ही जिस ठेकेदार ने इसका निर्माण किया है उसका भी 70 लाख रूपये अभी बकाया है। उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया था तो किस जल्दी में पार्किंग का उद्घाटन कर दिया गया है और उद्घाटन के बाद भी इसे आज तक क्यों शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद पदाधिकारियों ने कहा था कि नूरपुर शहर में दो समय पानी मुहैया करवाया जाएगा लेकिन आज हालात इससे उलट है। महाजन ने शहर में फैल रही गंदगी और अन्य अव्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नगर परिषद चुनावों से पहले वोट फॉर चेंज का नारा दिया था लेकिन यह नारा भी उल्टा साबित होता दिख रहा है। और पहले जब पहले 3 साल में हमने अपेक्षा की थी कि शहर की कोई डेवलपमेंट हो, जो अनाउंसमेंट्स मंत्री जी ने की थी रिप्लेश एनर्जी में कि शहर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, पर कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो भी अनाउंसमेंट्स की हैं एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और उसके बाद 1 साल पहले जब ये 2020 के इलेक्शन हुए एक नारा दिया गया था वोट फॉर चेंज और 45 वोटों से एक बेटी हमारी चलेगी और जिसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी मानते हैं। वो तो बहुत साल हमारे पास एक बेटी थी तो और इनका अपने धन बल का अपने कई फैक्टर्स थे, मैं उसमें जान हारी होती है, पर इन्होंने जो कुछ किया जिसके कारण हुआ उसके मैं जाना नहीं चाहता। पर वोट फॉर चेंज में आज की डेट में ये चेंज हो रहा है कि टैक्सेस जो हैं शहर में कई गुना ज़्यादा बनने जा रहे हैं। टेंडर जो प्रोसेसिंग है, जो कमेटी घर है, ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इसमें जितने टेंडर्स लग रहे हैं अंडरग्राउंड लग रहे हैं और कहा जाता है कि जो कांग्रेसी ठेकेदार है इसको हमने काम नहीं देना, मत दो, पर जो अपनों को देना वो तो कोई एक प्रोसेस अपनाओ। यू कॉन्ट डू अपनी मन मर्जी से कि बैठ के टेंडर इसको अवार्ड कर दिया, इसको अवार्ड कर दिया, इसको अवार्ड कर दिया और अपने मन मर्जी के रेट लो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पक्की जो गलियाँ हैं उसको पक्का किया जा रहा है, उसके ऊपर टैली लग रही है और जो कच्ची गलियाँ हैं उसको छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जो पार्किंग है आज की डेट तक, अब महज 6 महीने रह गए अगले चुनावों के लिए, वो पार्किंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई। इनोग्रेशन कर दी है, वो जो ठेकेदार है उसका 70 लाख रुपए अभी देने को है। अगर उसको 70 लाख रुपए देना था तो आपने इनोग्रेशन क्यों की? अगर उसको लगता था उसने काम ठीक नहीं किया फिर आपको इनोग्रेशन ही करनी चाहिए थी। पर अगर इनोग्रेशन कर दी है उसका क्या कसूर है कि आपने 70 लाख रुपए एक को मार के रख दिया? तो इसके अलावा जो हालात है पानी और बिजली की, शहर में कमिटमेंट की थी कि दिन में 2 बार पानी दिया जाएगा, आज ये होता है कि एक बार, कई बार 15 दिन में दो बार पानी नहीं आ रहा। बिजली की बुरी हालत है और इसके अलावा गंदगी, आप पैसे आप ले रहे हो फॉर क्लीनिंग और शहर में गंद मतलब इतना ज्यादा है वो कहने की बात नहीं। सो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, वोट फॉर चेंज हुआ बट फॉर द वर्स्ट। और ये सारे सामने हम 1 साल नहीं बोले, आज मैंने जब बोला हूँ उसमें मैंने सारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स बुलाए पुराने जो और जो इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, उनसे मैंने पहले बातचीत की, वार्तालाप किया, उनसे मैंने सारी फीडबैक ली और फिर मैंने आपको मुखातिब किया।